सरकारी विज्ञापन के दम पर अपनी छवि को चमका कर रखने वाली सरकार है। एक भी परीक्षा आप देख लीजिए, जो भी बिहार में सरकार आयोजित करती है तो शिक्षा विभाग का, और जो भी परीक्षा आयोजित करती है उसकी पोल खुल जाती है। बिहार के युवा ऐसे सरकारी फरमानों से डरने वाले नहीं है, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। देखिए, बिहार जो राज्य है वो प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े जितने भी प्रदर्शन हुए हैं यहीं से शुरुआत हुई थी, मगर अब एक फरमान है BSSC का उनके अभ्यर्थियों के लिए कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको बैड एलिमेंट मान लिया जाएगा, मतलब आप पे काला टीका लगा दिया जाएगा। आगे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि आपने प्रदर्शन किया था, हो सकता है आपके साथ खिलवाड़ खेला कर दिया जाए। इसी रिगार्डिंग हम बात करने पहुँच गए, हमारे साथ प्रशांत मंडल जी हैं और राजद के प्रवक्ता। प्रशांत जी, नीतीश जी खुद इस प्रदर्शन से निकले हैं, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, ये BSSC अभ्यर्थियों के लिए धमकी? देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य में क्या हो सकता है, इस राज्य के युवाओं के साथ क्या हो सकता है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं छात्र आंदोलन की उपज हो, जिसने स्वयं आंदोलन करके संघर्ष करके आताताई सरकार के खिलाफ जो भी गलत नीतियां थी, जो भी गलत सिद्धांत थे, उसके खिलाफ संघर्ष करके सड़कों पर प्रदर्शन करके आंदोलन करके जो आज इस मुकाम को हासिल किया है, उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया है वो इसी प्रकार के आंदोलनों और इसी प्रकार के संघर्ष की ही देन है। आप 2014 में परीक्षा के लिए विज्ञापन निकालते हैं, 2021 है, 7 साल का समय बीत चुका है। आखिर बिहार के युवाओं ने गलती क्या की है? बिहार के युवा होनहार नहीं है क्या? बिहार के युवाओं में काबिलियत नहीं है क्या? आखिर उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, और उस मुख्यमंत्री के द्वारा क्यों किया जा रहा है, उस मुख्यमंत्री के काल में क्यों किया जा रहा है जो स्वयं इसी प्रकार के आंदोलन से आया हुआ है? तो इस विडंबना को देखिए, और आप 7 साल में एक बहाली प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उस मामले में जो भी परीक्षा थी उसमें क्या क्या हुआ है, क्या कानूनी पचरे फंसे हैं, कौन कौन जेल गया, ये सबको पता है, एक एक लोगों को पता है जी। आप अपने हक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, उस पे बार आपको धमकाया जा रहा है, आपका CR खराब करने की आपको चुनौती दी जा रही है, आपको धमकाया जा रहा है, ये सरासर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, अन्यायपूर्ण है, और इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई का राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर तरीके से विरोध करती है। हम इनके संघर्ष में, बिहार के नौजवानों के संघर्ष में हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कदम कदम पर उनके साथ हैं, उनके संघर्ष के साथ हैं, उनके संघर्षों के समर्थक हैं। कि ऐसा क्या क्यों हो रहा है कि मतलब BSSC धमकी दे रही है, क्या लगता है ऐसा वजह क्या हो गया? देखिए कि धमकाना पड़ रहा है। देखिए, इस सरकार का कि आप कार्यशैली को देखिएगा, ये विज्ञापनी सरकार है। अच्छा। सरकारी विज्ञापन के दम पर अपनी छवि को चमका कर रखने वाली सरकार है। ग्राउंड लेवल पर किसी भी विभाग में, किसी भी जगह आप जाकर देख लीजिए, जनता की भलाई के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। सचिवालय के फाइलों में आपको बिहार में बाहर बिल्कुल नज़र आएगा, इन विज्ञापनों में आपको बाहर नज़र आएगा, लेकिन वास्तविकता आप कहीं भी, किसी भी जिले में, किसी भी पंचायत में जाकर देख लीजिए, कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। एक भी परीक्षा आप देख लीजिए, जो भी बिहार में सरकार आयोजित करती है तो शिक्षा विभाग का, और जो भी परीक्षा आयोजित करती है उसकी पोल खुल जाती है। बाढ़ का समय है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में क्या है, आपदा प्रबंधन की क्या स्थिति है, वो हर साल पोल खुलती है। तो ऐसे ही धमकी मिलता रहेगा। देखिए, आप जब भी संघर्ष कीजिएगा, जब भी इनको डर होता है कि हमें एक्सपोज किया जा रहा है, हम एक्सपोज हो जाएंगे, हमारी कमियां, हमारी खामियां उजागर होंगी, ये इसी प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से ही लोगों को धमकाने का काम करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, बिहार समाजवादियों की धरती है, बिहार आंदोलनकारियों की धरती है, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। बिहार के युवा होनहार भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, नीतिवान भी हैं, निष्ठावान भी हैं। आप इस प्रकार के, आपके जो भी अगर सरकारी फरमान है तो बिहार के युवा ऐसे सरकारी फरमानों से डरने वाले नहीं हैं, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और बहाली तो आपको करनी ही होगी और निश्चित समय सीमा के अंदर करनी होगी। ईंट से ईंट बजा देंगे आपका, क्योंकि बिहार के युवा डरने वाले नहीं हैं, BSSC अभ्यर्थी डरने वाले नहीं हैं, आपकी हवा निकल जाएगी नीतीश जी, ये कह रहे हैं प्रशांत मंडल, राजद के प्रवक्ता हैं। BSSC के अभ्यर्थी जो भी है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.